हेलो 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 गाइस, आपका दोस्त और होस्ट जेपी गेमर लेकर आ गया हूँ हेनरी द स्ट्रिक मैन का एक और मज़ेदार एपिसोड। तो पिछले तीन वीडियो में आपने देखा ही होगा कि पहले हमें जेल में रखा गया था, फिर हम बैंक को तोड़ने गए थे और पैसे लूटने गए थे, और इतनी कोशिश करने के बाद भी हम पकड़े गए, जिसके बाद हमें एक सीक्रेट जगह पर छुपाने की कोशिश करी गई थी, पर हमने प्लेन में भी बहुत बड़ा कांड किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हेनरी को किस जेल में रखा गया है और वहाँ का माहौल कैसा है और हमें आगे क्या क्या करना है। तो बिना डिले किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही हमारी आँख खुली, हम एक बंद कमरे में हैं और हमारे सामने कुछ लोग बैठे हैं और ये मूंछ और दाढ़ी वाले अंकल हमें हेलो बोल रहे हैं। वो भाई साहब ये हमें बता रहे हैं कि सबसे डेंजरस और बहुत ही मिस्ट्रीशियस जगह पे हमें लेके आया गया है, और काफ़ी पूछताछ करने के बाद अब हमें जेल में लेके आया गया। और यहाँ पर मेरी उम्र की एक बंदी बैठी हुई है और काफ़ी सैड लग रही है, और हमें आगे क्या क्या करना है उसके सारे प्रोडक्ट हमें मिल चुके हैं, जिसका नाम है बूस्टर चेंज, सेकेंड चेंज टैकल, थर्ड वेट फॉर ट्रांसफर और फोर्थ है प्ले डेट। तो यहाँ पर हेनरी अपनी तंदुरुस्ती दिखा रहा है कि वो क्या क्या कर सकता है, और बहुत ही आसानी से उसने जेल की छत को पार कर लिया। धीरे धीरे उस लड़की को भी हेनरी पर विश्वास होने लगा, और हेनरी यहाँ पर पता लगाने गया कि वो यहाँ पर चल क्या रहा है, और यहाँ पर दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं और हमें इसे पार करना है एक चार ऑप्शन को यूज़ करके। तो हम थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करके देखते हैं इससे क्या होता है, और ये डायरेक्ट हमारे हाथ में आ गई। ओ भाई साहब, यहाँ पर हेनरी का फाट वाला प्लान काफी अच्छी तरह से वर्क किया, दोनों आपस में लड़ने लगे कि किसने फाट किया। और हम बढ़ते अब आगे, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो यहाँ पर हमें वापस से तीन ऑप्शन मिल चुके हैं, जो पहला है लॉन्ग शॉट, दूसरा है स्प्रिंग, तीसरा है पावर जंप। और इस बार मैं जंप को यूज़ करके डायरेक्ट बिल्डिंग के छत पर चढ़ूंगा, और काफ़ी अच्छी तरह से छत पे मेरी एंट्री हो गई, पर उस बंदे ने हमें देख लिया है और गन से हमें शूट करने वाला है। आगे हमें क्या करना चाहिए उसने हमें सोचने का मौका भी नहीं दिया और डायरेक्ट गन से शूट कर दिया। लॉन्ग शॉट से मैं छत के ऊपर निशाना लगाता हूँ और डायरेक्ट ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया, मैं तो बुरी तरह से इसमें फंस गया। ओ नो नो, हेनरी की तो पूरी तरह से हालत ख़राब हो गई। काफ़ी अच्छे ढंग से आगे बढ़ने के बाद हेनरी की बुरी हालत होने के बाद ये मिशन फेल हो गया। अब तीनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, पावर जंप, इससे हम डायरेक्ट छत पे चढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हेनरी पूरी तरह से तैयार, और ये हेनरी उठ पड़ा, और काफ़ी कमाल की एंट्री हेनरी की। काफ़ी हीरोपंती के बाद हेनरी को काफ़ी चोट आई होगी। पर हमने यहाँ पर थर्ड स्टेप पार कर लिया है, अब हमें तीन और ऑप्शन मिल जाते हैं आगे कैसे कैसे और होने वाला है, देखते रहिए। और यहाँ पर हेनरी ने काफ़ी अच्छी तरह से लिफ्ट के गली में छलांग मारी और हवा फूकते फूकते नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, और काफ़ी आसानी तरीके से मैं नीचे उतर चुका हूँ। इस कमरे में एक बहुत ही पुरानी खिड़की टूटी हुई दिख रही है, इसके अंदर जाके देखता हूँ इसके अंदर है क्या। इसके अंदर आते ही आते हमें तीन ऑप्शन और मिलते हैं। इस थर्ड ऑप्शन काफ़ी अमेजिंग और नए जूते लग रहे हैं, सबसे पहले हम इसे यूज़ करके देखते हैं इससे क्या होने वाला है। ओ नो, ये तो ज़मीन पे ही चिपक गया, और ये मिशन फेल। इस जूते को हमें इस पतली से पाइप पे यूज़ करना था, पर हमने गलत तरीके से इसे यूज़ किया। अब बहुत ही सावधानी से हम इस पाइप पे चलते हैं और उस पार जाते, पर ये पुरानी पाइप होने के कारण बीच में टूट गई और हेनरी बुरी तरह से घायल हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करके इससे क्या होने वाला है। ओह, हेनरी का फेस तो बलून की तरह फूल गया। अब लगता है मैं काफ़ी आसानी से उस पार चला जाऊंगा, और यहाँ पर पानी की तरह उड़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, और बहुत ही आसानी से हम उस पार पहुँच चुके हैं। तो इस स्टेप को पार करने के बाद हमें तीन ऑप्शन और मिल गए, तो यहाँ पर मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करने जा रहा हूँ, जो कि पत्ती के आकार की दिख रही है। और यहाँ पर हेनरी
फॉक्स के अवतार में आ चुका है। आपने चलने वाला लोमड़ी तो देखा ही होगा, आज देखिए उड़ने वाला लोमड़ी। और यहाँ पर हेनरी ने अपने लोमड़ी वाले दिमाग को यूज़ करके शेप की पूरी आकार अपने दिमाग में भर ली है। और यहाँ पर हम रॉकेट लॉन्चर में बैठ चुके हैं उड़ने की तैयारी। यहाँ पर हमें उड़ने से पहले रॉकेट को अच्छी तरह चेक करना चाहिए था कि इसमें क्या क्या है और क्या खराबी है और ये उड़ पाएगी कि नहीं, जिसके कारण ये मिशन फेल हो गया। तो इस बार काफ़ी गुस्से में हेनरी लग रहा है और डायरेक्ट शिप के अंदर कैप्टन से लड़ाई करने जा रहा है। हेनरी काफ़ी अच्छी तरह से शिप को चला रहा है और जिस तरह हमने पीछे वार किया था कैप्टन पे, उसी तरह उसका मैनेजर अब हम पे अटैक कर रहा है। ओह नो, मिशन वापस से फेल। काफ़ी कोशिश करने के बाद हेनरी परेशान हो गया है और चोरी करने के बाद अब उसने अपना खुद का एक छोटा सा बोट लिया और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। और काफ़ी एटीट्यूड में हेनरी का फेस दिख रहा है, वो इस बोट में काफ़ी खुश लग रहा है। तो यहाँ पर हेनरी जिंदा बचकर निकल चुका है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपने इसके अगले पार्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। और ऐसे ही वीडियो के लिए उस लाल जैसे दिखने वाले बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक ऐसे ही सुपर डुपर एपिसोड के साथ। अभी के लिए बाय बाय।